सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज यूनाइस एंड वाचिंग फेवरेट चैनल द 46 राइडर। तो लेके आ चुके हैं एक बेहतरीन ट्रिपल बैटल, जिसमें आपकी भाई न्यूली लॉन्च RR 310 2024 मॉडल एंड बगल में आपकी Duke 390 एंड सबसे साइड में आपकी Ninja 300। इन तीनों के ट्रिपल बैटल होने वाले। तीनों के पावर फिगर की बात करें तो निंजा में मिल जा रहा है आपका 296 cc का पैरेलल ट्विन इंजन, जो कि आपको पावर देता है 39 PS का। टॉर्क की बात करें 26 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है। वहीं बात करेंगे भाई TVS अपाची RR 310 में, तो आपको मैं बता दूँ आपका नया वाला मॉडल है, जिसमें विंगलेट, क्लियर क्लच एंड सारी चीज़ें अपडेट दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है 310 cc का लिक्विड कूल्ड 6 गियर ट्रांसमिशन इंजन, जो कि आपको पावर देता है भाई 38 PS का। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क जनरेट करके देता है 29 Nm का, यानी 4 PS का पावर बढ़ाया है एंड 2 Nm का टॉर्क TVS ने बढ़ाया है। सबसे बगल में खड़ी है आपकी पॉकेट रॉकेट Duke 390 Gen 3, वहाँ पे आपको मिल जा रहा है 399 cc का LC4C इंजन, जो कि आपको पावर देता है भाई 46 PS का। एंड टॉक की बात करें तो 39 Nm का टॉक जनरेट कर देता है। तो इन तीनों की ट्रिपल बैटल करेंगे। दो आपकी फेयर बाइक है, एक है आपकी नेकेड बाइक। इसी के साथ बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको ड्रैग रेस पे, दिखाते हैं, आप लोग भी एंजॉय करो। और इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है, यहाँ पे जाके जरूर फॉलो कर लो। तो भाई चलो फिर स्टार्ट करते हैं। निंजा सबसे पीछे एक्सेलरेशन में, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी कि सबसे पीछे रहेगी, बट कितनी देर। अब देखते हैं, अभी तक कोई निकल नहीं पाया है। RR 310 इन फ्रंट, RR 310 तगड़ा हो गया है। अभी तो सबसे आगे RR 310 है, बट जल्दी ही निंजा सबको पीछे छोड़ने वाली है। देखो भाई साहब, ये देखो, मुझे नहीं लगता कि अब इससे आगे निकल पाएगी उन दोनों में से कोई भी भाई। इनिशियल की निकली भाई RR 310, ओपनिंग में तो भाई 166 किलोमीटर मार रही है, तो क्या ही आगे जाएगी।
ये क्या अबे बहुत देर में निकली ड्यूक निकल तो भैया मैं तो जब एकदम टॉप एंड पहुंच गया तब आप लोग निकले हो बगल बगल से भाई क्विक शिफ्टर अरे ऊपर से क्विक शिफ्टर इतना स्मूथ काम कर रहा है फट 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 इसका क्विक शिफ्टर पांचवें गेम में काम ही नहीं किया तो भाई फर्स्ट रेस की इनिशियल विनर थी आपकी आर आर टॉप एंड विनर थी निंजा सेकंड पे आई आपकी ड्यूक एंड थर्ड पे आई आर आर टॉप एंड में बट इनिशियल में जो थी भाई मैं चलाने वाला हूँ निंजा कौन सी चला रहे हो अब तो मैं यही चलाऊंगा ना इनिशियल में तो वो निकल गई इनिशियल में तो मैं जो चलाता हूँ निकल जाती है ये चला लेना मैं निंजा चला जाऊंगा तुम आओ ड्यूक पे आओ यार ये बहुत गलत काम करते हो आप लोग हमारा कैमरा इतना सेट नहीं होता इतनी छोटी सी गाड़ी है मैं इतना लंबा इंसान चलो ठीक है तुम लोग खेल रहे हो मेरे साथ तुम लोग को लग रहा है कि ड्यूक लेके तुम एक मिनट भैया एक मिनट रुक जाओ रिकॉर्डिंग ऑन है रेडी
टॉपेंड तो निंजा निकल गई थी भाई। बट इनिशियल में तो कोई आगे नहीं निकला है। आगे आ जाओ थोड़ा। आगे आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट टर्न है तो थोड़ा आगे होकर रुकते हैं। इनिशियल जो चलाता हूँ तो इनिशियल तो निकल ही जाती हैं। भाई साहब, हाँ रुकाओ जरा उसको। क्या हुआ भाई? मैं एक्सेलरेशन धीरे कर रहा हूँ फिर भी उठी जा रही है। एक्सेलरेशन धीरे करने के बाद भी उठती है। हाँ लैग है इसके में, लेकिन ये यार भागती क्या 190 मतलब लगभग टच होने वाली थी। ये भाई वो टॉप एंड विनर है, उसको कोई वो नहीं है। इनिशियल भी अच्छा है। हाँ अरे 296 सीसी का इंजन के बाद भी इनिशियल भी इनी, और इनिशियल जब उसका लॉन्च होता था देखते हो घी क्या मस्त। तो भाई ये थी आपकी फाइनल ट्रिपल बैटल, और तीनों रेस में टॉप एंड थी आपकी निंजा, सेकंड पे थी आपकी ड्यूक एंड थर्ड पे थी आपकी आरआर। तो इसी के साथ आप लोग बताओ आप लोग वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नीचे अपना सोशल मीडिया हैंडल आ रहा है दी 46 राइडर, आप जाके वहाँ पर फॉलो करो। मिलते हैं आपको वीडियो में।